Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से शुक्र लगा आप सबके दुआ से, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, आई नो कि मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था व्लॉग वगैरह बनाने का, कुछ करने का, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करते नहीं है तो क्या फायदा फिर व्लॉग्स बनाने का। तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइज, आज मैं जा रही हूँ जामा मस्जिद, मुझे कुछ काम है जामा मस्जिद से इसलिए मुझे जाना है। ये चुन्नू को फोन पकड़ना ही नहीं आ रहा, इस तरह पकड़ना टेढ़ा क्यों कर रहा है फोन को, मेरी तरह पकड़ जैसे मैं अपना व्लॉग बनाता हूँ। ये देखो गाइज, नाथ का व्लॉग, अब आपकी जबान क्यों कम हो गई? बोलता है आपका भाई मस्जिद पे मुझे काम ही अपनी उंगलियां पीछे कर लो, उंगलियां पीछे ही कैमरे, और ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, इसको कैमरे पकड़ना नहीं आ रहा बिल्कुल। अभी भी चाय पिए, जल्दी जाना है जामा मस्जिद क्योंकि मुझे एक सीक्रेट काम है, वो मैं भी किसी को बता नहीं सकती हूँ जिस काम से मैं जा रही हूँ, बस मैं वो काम कराऊंगी। और मैंने सोचा दरक्षा आपकी की आज बर्थडे थी और मैंने ना उनको कोई स्टोरी लगाई ना कुछ मेंशन किया, क्योंकि गाइस परसों 2 तारीख को ऐसा था मेरा शूट हुआ था और जिस दिन मेरा शूट हुआ उसी दिन मेरा फोन टूट गया था, तो मैंने 3 दिन में अपना फोन ठीक कराया। 3 दिन में बिना फोन के थी, आप देख सकते हो कितना पेशेंस मैंने दिखाए हैं बिना फोन के, मैंने कैसे स्ट्रगल किया है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। बेकार ही ठीक कराया अब। और जिन लोगों को लगता है कि कोई मुझे बहुत कुछ हेल्प कर देता है तो मैं आपको बता दूँ, मैंने जिंदगी में किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी आज तक भी, ठीक है गाइस। आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, हाँ मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ, बेशक हूँ, मतलब मुझे हेल्प कर देती है तो मेरी फैमिली कर देती है स्टार्टिंग से ही, और उसके अलावा कोई हेल्प नहीं करता, मैं खुद से अर्न करती हूँ स्टार्टिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। तो गाइस बस ये सारी बातें छोड़ो, आखिरी बात ये है कि मैंने अपना फोन ठीक कराया, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि कोई किसी की लाइफ यू नो कोई इसके लिए कुछ कर रहा है या कोई उसके लिए कुछ कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, कर लगी नहीं है, लगा अब आ जा, जा पहले कुंडी खोल के आ, खोल के कौन जा सुबह गाइस नो गलत बात है, बेचारे किससे खुलवाएंगे जानवर सा। सो गाइस तैयार हो गई थी लेकिन निकाला भूल गए, अभी काफी चीजें रह गई गाड़ी में जाके। मैंने आज नया बुर्का पहना है अपना, मुझे आया अरेबियन कलेक्शन की तरफ से, मेरे को पुन खाई है मुझे आई डी मार्ट से। तो अभी हम निकल रहे हैं, नीचे मेरी कैब आ चुकी है, बैठ के निकल गए थे और मेरी आंखों में से इतना पानी जा रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊं, पता नहीं क्या हो रहा है। गाइस आपने कभी मेट्रो नहीं देखी होगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना जाम है ना आज, बस पूछो मत, इस गांधी मार्ग पे ये इधर जाओ, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच जाएंगे जल्दी, बात तो वही रास्ता तो वही है, दिमाग खराब हो रहा है, लाइट का तो सही से चल ही नहीं रहा, लाइट का तो नॉट ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक मुझे नहीं लगता आज से पहले जामा मस्जिद तो होगा, और हम पैदल जा रहे हैं अंदर, अभी तक हम दरियागंज भी नहीं पहुंचे थे और इतना जाम है यहाँ, कुछ हम पैदल जा रहे हैं आप देख सकते हमें, टू मच स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, पता नहीं किस बात का जाम लगा रखा है कुत्तों ने, कुत्ते के बच्चे दूर से पैदल चल के आए और अब दरियागंज आए और यहाँ का हाल आप देख लो, OMG इतना रश है, इतना ट्रैफिक है यहाँ भी। फाइनली हम पहुंच गए जद्दोजहद के बाद जामा मस्जिद, आप देखो हम यहाँ से ले रहे हैं केक। तो गाइस यहाँ से मैं ले रही हूँ आप ही के लिए केक, और देखते हैं मेहरबानी शुक्रिया, ले लेते हैं 20 के दर्द से चाय बनवाएंगे। फोन खराब होने की वजह से मैंने आपको विश भी नहीं किया था, मैं डायरेक्ट उनके लिए केक लेकर जा रही हूँ।
और आप मेरा हाल देख सकते हो ना। तो मैंने करा लिया, मैं इसमें से आप ही के लिए चॉकलेट ले लेती हूँ एक, क्योंकि गिफ्ट तो मैंने कोई लिया नहीं है। एक ही चॉकलेट भी निकाल दो भैया, आप ही के लिए केक लेकर आ गए आप ही के घर। कैसे लग रहा आप ही, आपको कैसा लगा सरप्राइज? गाइस मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने कोई स्टोरी नहीं लगाई थी आप ही की, मैं डायरेक्ट केक लेकर आ गई। केक भी हमने इनकी जाम मस्जिद से लिया। तो गाइस अब हम स्नैप वगैरह बनाएंगे ताकि इंस्टा पे स्टोरी लगा सके। तो गाइस अब मैं निकल गई हूँ आप ही के घर से और अब हम जाएंगे घर। उससे पहले सामान लेगा हुसैन का फ्राई वगैरह। A few moments later. तो गाइस यहाँ से अब सामान लेगा फ्राई और मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। गाइस अपना सारे सामान हम ले चुके हैं खाने पीने का और निकल चुके हैं। आज हम ऑटो से जा रहे हैं वापस। कैब नहीं आई बिकॉज ऑफ के यहाँ पे इतना ज्यादा आज ट्रैफिक हो रहा था, ट्रैफिक हो रहा था उसकी वजह से। तो अभी हम निकल चुके हैं, घर पहुंचते हैं, देन आपसे मिलते हैं। गाइस अब देख सकते हो रोड बिल्कुल खाली पड़े हैं और सुबह ही नहीं रोडों पे इतना रश था कि हमें पैदल जाना पड़ा है। तो गाइस यहाँ से हमें ऑटो करना पड़ेगा चेंज और यहाँ हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा कुछ भी मिल जाए लेकिन मिल नहीं रहा। तो गाइस हमारी सोसाइटी आप देख सकते हो किस तरीके से सजी हुई है। यहाँ से तो कुछ नहीं, जो लास्ट में पीछे से सजी हुई है बहुत जबरदस्त। अब हम आ चुके हैं फाइनली, खाना ले आए हैं, हम खा के नहीं आए हैं जामा मस्जिद से और इनके चक्कर में और आसिम के चक्कर में। अब हम लोग साथ में खाना खाएंगे, हम दस्तरखान बिछा चुके हैं, सुबह सामान लेकर आ रहा है। तो गाइस अब हम खाना खाएंगे, हम लोग बैठ गए हैं, सुबह दस्तरखान ला रहे हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं। हम लाए हैं हुसैन का फ्राई और मलाई टिक्का और सुबह लाए अपने लिए कूल पॉइंट से शाही टुकड़ा। और बस गाइस आपने देखा आज मैंने कितना स्ट्रगल किया ना गाड़ी की वजह से, नहीं ट्रैफिक की वजह से। गाड़ी में तो मैं गई थी, कैब में गई थी। और अच्छा है ना गाइस किसी की गाड़ी में 1000 रुपये का पेट्रोल भरवाने से अच्छा है कि आप खुद से कैब करो और 1500 रुपये में चले जाओ और आना जाना कर लो अच्छे से। खाना खाना शुरू कर दिया है। A few moments later. थक गई हूँ मैं आ गई आके, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन भाई आप लोगों का काम करना भी ज़रूरी है। मैं इतने टाइम से इनएक्टिव थी पर्सनल रीजंस की वजह से, वो रीजंस भी इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ शेयर होंगे क्योंकि अब वो शेयर करने का वक्त आ गया है, ज़रूरी है, करने पड़ेंगे क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। तो मैं अब चाहती हूँ जो मेरी ऑडियंस है जो बहुत कुछ मतलब ऐसा वैसा सोच के बैठी है, तो उसकी सोच में क्या सच्चाई है और क्या रियलिटी है वो मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको ज़रूर अब दिखानी है। खैर इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे, इस मुद्दे का एक बहुत प्रॉपर बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, फिलहाल के लिए ये है कि मैं कर रही हूँ अपने शायद नुस्खा के ऑर्डर्स पैक, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से मतलब 4-5 दिन से बिल्कुल इनएक्टिव थी, तो किसी का भी पार्सल्स नहीं भेजा, कुछ भी नहीं करा। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने पार्सल्स पैक, यहाँ आप देख सकते हैं ये लोगों के नंबर हम दिखा नहीं सकते हैं, प्राइवेसी है हमारे कस्टमर्स की। तो यहाँ हमने सारा अपना रीस्टॉक कर लिया है शायद नुस्खा, यहाँ देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मैंने डेकोर भी इसको कर दिया है यहाँ पे। और ये सारे पार्सल्स हैं सबके, स्टिल अभी पार्सल्स पैक हो रहे हैं। तो बस गाइज अभी काम कर रहे हैं, काम भी बहुत ज़रूरी है और आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बस स्क्रीन पर नंबर ऐड है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पर, आप अपने ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। अगर आप भी हमारा शायद नुस्खा एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करें, स्क्रीन पर नंबर ऐड है। अपनी प्यार मोहब्बत जैसे आप मुझे दिखाते हैं वो इस पर भी दिखाएं और शायद उसका मंगाएं और अपने बढ़ते हुए वजन से छुटकारा पाएं। ऑर्डर्स पैक करती हूँ, देन आपसे मिलते हो।